अखिलेश यादव ने शिवपाल से जुड़े सवालों को टाल दिया और कहा कि पूरा परिवार एकजुट है, सभी यहाँ आए हैं, सब एक साथ प्रचार करेंगे। उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी उनके रणनीति पर भी कोई बात नहीं की। इतना जरूर कहा कि रामपुर में क्या हुआ ये सबने देखा, इसका वीडियो वायरल है। प्रशासन ने रामपुर की जनता को वोट नहीं डालने दिए, लेकिन मैनपुरी का प्रशासन ऐसा नहीं है। मैनपुर का प्रशासन सपा का साथ देगा। लगी रही निगाहें पर नहीं आए शिवपाल, डिंपल यादव के नामांकन में शिवपाल सिंह यादव भी आएंगे, इसको लेकर जिले भर में चर्चाएं होने लगी थी। लेकिन शिवपाल परिवार की पुत्र वधू के नामांकन दाखिल होने में नहीं पहुंचे, वो लखनऊ स्थित आवास पर थी, ये जानकारी भी सामने आई। नाराज नजर आ रहे हैं आप भैया। अरे भैया, अरे भैया भैया, ये नामांकन करने के लिए आए हैं, पहली बार जो ट्रैक आज प्रशासन का रहा है वो समझ से परे है। ये किसी से कुछ नहीं कह रहे, जनता का चुनाव है, दक्कन नेताजी का चुनाव है, मैनपुरी के विकास को आगे बढ़ाने का चुनाव है, ये सब जानते हैं शासन प्रशासन के लिए। भैया अरे यार उठ लो भैया, चलो अरे उठ लो भैया, चलो बैठे बड़े यहाँ पर इसमें पीछे इसमें पूरा प्रशासन मदद करने जा रहा है समाजवादी पार्टी की, इसमें क्या छिपा हुआ है? और ये चुनाव नेताजी का चुनाव है, सवाल प्रशासन का नहीं है, सवाल सरकार का नहीं है। जनता यह जानती है कि विकास किसने कराया है। आप पूरा मैनपुरी घूम आइए, जो लोग लड़ना चाहते हैं उनसे बताए वो क्या विकास किए होंगे मैनपुरी का। सर